क्या पढ़ाना था आपको? देखो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, बच्चों रेडी ना लो, वेलोसिटी ऑफ ठीक है ना। अरे भाई लिख लो, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या क्या पंखा है, मुझे भी दिख रहा है मुझे कहा देखो पंखा दिख रहा है। क्वालिटी बहुत स्लो है सर, पेज कर दो मेरा मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम शुभम था। उसकी दीदी एक दिन बुलाई उसको, लाओ शुभम इधर आओ, इधर आओ, तुमको एक चीज दिखा है। तो गया ऊपर, वो देखो पुलिस वही कह रही है देखो पंखा एक दरोगा खड़ा था उसे कह रही है देखो पुलिस। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ठीक है, क्या होता है? जैसे मान लो कोई बोतल ले लो, उसमें छेद कर दो बच्चे, उससे पानी निकलने लगता है, ठीक है ना, जानते हो ये सिंपल फिनोमिनन। कितना तेजी से निकलता है ये हमको फाइंड करना है, कितना तेजी से निकल रहा है, अरे ठीक है ना, उसको हमको फाइंड करना है। बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं, हमको बर्नौली इक्वेशन पता है और क्या पता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है, उन्हीं दोनों की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखो मान लो बच्चों हमारे पास एक बर्तन है, ठीक है ना, अगर मान लो तुमने इसमें छेद कर दिया कहीं पर, यहाँ पर छेद कर देते हैं बच्चों, मान लो हाइट कितनी है टोटल भरा है, कैपिटल एच हाइट तक बच्चों भरा है, कितने तक, कैपिटल एच, ठीक है। इसके कई सब पार्ट्स हैं। अब देखो आपने टॉप से बच्चों कितनी हाइट पर छेद कर दिया, स्मॉल एच हाइट पर छेद कर दिया, तो बॉटम से कितनी हुई, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है ना। अच्छा छेद करने से पानी क्यों निकलने लगता है बच्चों? हाँ कहाँ प्रेशर डिफरेंस, अंदर पानी और बाहर का पानी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर पानी देखो छेद करने से होता क्या है बच्चों, यहाँ पर प्रेशर क्या होता है एटमॉस्फेरिक, और पानी के अंदर जैसे प्रेशर क्या होता है ज्यादा, तो प्रेशर के डिफरेंस के कारण क्या होता है, पानी आपका निकलने लगता है, ठीक है ना। तो मतलब जैसे छेद करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, छेद के जस्ट बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। क्या क्लियर हो रही है ऑनलाइन वाले बच्चों बात ये? तो यहां पर प्रेशर क्या रहेगा, पी नॉट ही रहेगा। अब देखो मैं जो छेद है ठीक है ना, इसका बच्चों एरिया जो मान रहा हूँ, जो इसका टॉप सरफेस है इसका एरिया कैपिटल ए मान रहा हूँ, और जो छेद है इसका एरिया क्या मान रहा हूँ मैं, स्मॉल ए मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ मैं, स्मॉल ए मान रहा हूँ, सर ठीक है। इससे नीचे बॉटम प्रेशर तो ऊपर पड़ेगा, क्योंकि क्या देखो पहले जब छेद से पहले कुछ पी नॉट प्लस रो हाँ, जीरो पानी की यहाँ के जस्ट अंदर पहले जो है यहाँ पर क्या रहेगा आपका प्रेशर हाई कि नहीं है, हाई, पी नॉट प्लस रो जी एच है, इसके जस्ट बाहर क्या है, पी नॉट है, प्रेशर का डिफरेंस तभी तो फ्लो कर रहा है। अरे यार ये बात समझ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बच्चों ये टॉप पर, यहाँ पर देखो लिक्विड क्या हो रहा है, यहाँ पर मूव कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा अगर जनरली क्या होता है बच्चों, जो आपका टॉप सरफेस होता है, मान लो कोई बर्तन लिए हो, उसका जो एरिया होता है, जो छेद के एरिया से काफी बड़ा होता है, ठीक है ना। अरे अरे बात समझ में। तो सोचो तुमने कंटिन्यूटी क्वेश्चन पढ़ी है बच्चों, ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू, ये पढ़ा है। अब यहां पर देखो यहां पर भी कुछ वेलोसिटी होगी बच्चों, और यहां पर भी क्या होगी, कुछ वेलोसिटी होगी। तो ए इंटू वी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, स्मॉल ए इंटू वी टू। वी वन क्या होगा बच्चों, स्मॉल ए बाई कैपिटल ए इंटू वी टू। अब देखो स्मॉल ए बच्चों क्या है, बहुत छोटा है ए से, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, लगभग जीरो पे अप्रोच करेगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगा आपका, जीरो, ठीक है ना। तो यहां पर हम वेलोसिटी क्या मानते हैं बच्चों, लगभग जीरो, ठीक है ना। अरे आगे मैथमेटिकली प्रूफ हो गया, नहीं तो निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कंटिन्यूटी इक्वेशन से, ठीक है। अरे तुम निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बट आसानी के लिए क्या मानूंगा मैं, जीरो। जो तुम्हारे क्वेश्चंस भी आएंगे उसमें भी क्या मानना पड़ेगा, उसको जीरो ही मानना पड़ेगा, ठीक है ना। दिया रहता है कि जो सरफेस एरिया काफी लार्ज है होल के एरिया कंपैरिजन में, ठीक है, मतलब वहां पर वेलोसिटी तुमको जीरो माननी है, ये लिखना नहीं है, मैंने समझा दिया आपको। अब बहुत ही आसानी से बच्चों हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मान लो यहां पर बच्चों लिक्विड वी वेलोसिटी से ऐसे निकल रहा है, कैसे हॉरिजॉन्टल निकलेगा सोच सकते हो, ठीक है। अब बर्नौली इक्वेशन लगाओ बच्चों, यहां पर और यहां पर, वन पर और टू पर,
वन पर क्या लिखोगे? बर्नौली इक्वेशन क्या है पहले बताओ। P प्लस रो जी एच हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। ओके, वन पर क्या लिखोगे बच्चों? P नॉट प्लस हाइट कितना वन पर? वन पर देखो, अगर यहां से भी ले लो बच्चों कोई इफेक्ट नहीं, देखो यहां से ले लो हाइट तो क्या लिखोगे? रो जी कैपिटल एच प्लस हाफ रो जीरो का स्क्वायर रहेगी नहीं है। और यहां पर क्या लोगे तुम? पी भाई प्रेशर यहां पर भी क्या है? पी नॉट प्लस रो जी क्या है बच्चों इसकी हाइट? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। अब देखो ये एच माइनस एच बच्चों इधर रो जी एच, इधर भी रो जी एच आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इधर आपका रो जी एच आ जाएगा प्लस का। ऐसे भी समझ सकते थे, यहां पर अगर रेफरेंस लेवल लेते तो टू की बच्चों ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती? जीरो। इसकी कितनी आती? एच एक्स्ट्रा आती कि नहीं आती? ठीक है ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा? पी नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल बच्चों। तो इधर क्या आ जाएगा? रोजी एच, ये माइनस वाला इधर चला जाएगा, रोजी कैपिटल एच भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा? हाफ रो वी स्क्वायर। तो वी कितना आ गया बच्चों? स्क्वायर रूट में रूट टू जी। हाँ, खुद भी सोचना, जस्ट लाइक ये फ्री फॉल वाली वेलोसिटी नहीं है, एच हाइट गिरता है कितनी वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो वही बच्चों वेलोसिटी आ रही है, क्योंकि इफेक्ट किसका है? ग्रेविटी का ही है। श्रेय पाउच नहीं ले आई है, यूज करो उसका। लिख लिया, लिख लिया ना। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ पी डॉट टू, हाँ सेम आया है, हाँ सेम आया है, ठीक है। ओके ठीक है बच्चों, देखो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो टैंक है, ठीक है, पहली बात तो अगर सोचो अगर छेद एकदम नीचे किया होता, ठीक है ना, अच्छा तो पूरा टैंक पूरा का पूरा खाली हो जाता। अरे हो जाता? नहीं हो जाता। बट यहाँ पर कितना खाली होगा तुम्हारा? यहां तक खाली होगा। अरे ठीक है ना, अरे एच हाइट ही आएगा ना, उसके नीचे तो जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो ये भी पूछ सकते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि एच हाइट टैंक कितना खाली होने में कितना टाइम लेगा, ठीक है ना। एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई कि बॉटम पर छेद कर दे तो पूरा टैंक खाली हो जाएगा, तो उसमें एच की लिमिट चेंज हो जाएगी बस। अरे ठीक है, अरे यार ये बात समझ में, कैसे करेंगे बच्चों? देखो हाँ बताओ, कहाँ एक्सलेशन जी है? कहाँ एक्सलेशन जी है? मैंने कब बोला एक्सलेशन जी है? देखो ऐसा समझ लो, यहाँ पर बच्चों लिक्विड निकल रहा है, ठीक है ना, तुमको कितना वॉल्यूम खाली करना है? एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, इतना ही वॉल्यूम खाली करना है, नहीं करना बच्चों इतना वॉल्यूम तुमको खाली करना है, ठीक है ना। वॉल्यूम को बच्चों अगर मैं वॉल्यूम फ्लो रेट से डिवाइड कर दूं तो टाइम आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अरे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। वॉल्यूम को मैं वॉल्यूम फ्लो रेट से डिवाइड कर दूं, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या है? एक सेकंड में कितना पानी निकल रहा है भाई, क्यों क्या है? एक सेकंड में कितना पानी निकल रहा है? तो मान लो टी सेकंड में क्या होगा? पूरा पानी निकल जाएगा। तो टी कितना आ जाएगा? ए एच बाई क्यू, ये आ जाएगा। वॉल्यूम फ्लो रेट बच्चों कहां से निकल रहा है? यहां से लिक्विड निकल रहा है, ठीक है ना।
तो टी क्या आ गया बच्चों, आपका वॉल्यूम इतना खाली करना, वॉल्यूम फ्लो रेट कितना यहाँ पर, क्यों क्या होता है, ए वी होता नहीं होता बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्मॉल ए इंटू वी कितना है, क्या ये सही लिखा है मैंने, गलत लिखा है, हाँ गलत लिखा है, डायमेंशन गलत नहीं है, डायमेंशन एकदम सही है। अरे भाई ये h है, ये वेलोसिटी है, ठीक है। पहली बात तो देखो बच्चों, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर कितना हाइट है ये इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, तुम्हारा वेलोसिटी। अरे भाई इस होल के ऊपर कितने हाइट तक पानी भरा हुआ है ये निकल रहा है, ये तुमने जो लिखा है बच्चों टू टू जी एच, ये क्या है, जब h हाइट तक भरा तब वेलोसिटी है, जब थोड़ा अभी खाली हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ही नहीं। इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। मान लो किसी इंस्टेंट पर बच्चों हाइट क्या है तुम्हारी इसकी, तो फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो किसी इंस्टेंट पर बच्चों हाइट क्या है इसकी, एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स। इसके ऊपर कितने हाइट पर है, एक्स हाइट पर है, ठीक है ना। अरे आगे बात समझ में, तो अगर मान लो बच्चों इस इंस्टेंट पर लगभग वेलोसिटी में क्या मान सकता हूं, कांस्टेंट। एक मैं छोटा सा एलिमेंट मान रहा हूं बच्चों, देखो छोटा सा वॉल्यूम डीएक्स इंटू ए, एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो गया ए, और ये थिकनेस क्या मान ली इसकी डीएक्स, तो वॉल्यूम कितना बाहर निकालना है मुझे, ए इंटू डीएक्स, क्या निकालना है, ए इंटू डीएक्स ये निकालना है। इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, रूट टू जी एक्स, रूट टू जी एच नहीं आई थी अभी, हाइट कितनी है एक्स, तो कितने आ जाएगी रूट टू जी एक्स, और टाइम कितना होगा डी टी, ठीक है ना। अब इसे क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे इसी को, इंटीग्रेट कर देंगे, ओके। अच्छा यहां पर एक और चीज आनी चाहिए, ये जो बच्चों वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है ना, वास्तव में क्या हो रहा है बच्चों, ये वॉल्यूम घट रहा है, राइट, वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है यहाँ पर। अरे अरे बात समझ, डीएक्स वास्तव में क्या हो रहा है तुम्हारा, निगेटिव है, क्योंकि एक्स क्या हो रहा है तुम्हारा, कम हो रहा है, तो टाइम तो उधर पॉजिटिव है, तो इधर बनाने के लिए करेंगे यहाँ पर एक माइनस साइन लगे, नहीं लगेंगे पॉजिटिव बनाने के लिए। अरे डीएक्स क्या तुम्हारा निगेटिव है वास्तव में, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे, एक्स्ट्रा माइनस साइन लगाओगे, तो अब बस बन गया खत्म खानी माइनस, ये तो बच्चों कांस्टेंट, इसको बाहर ले लो इंटीग्रेशन के, रूट टू जी भी क्या है तुम्हारा कांस्टेंट, अरे रूट टू जी भी क्या है बच्चों कांस्टेंट, ये क्या गया डीएक्स वाई स्क्वायर रूट एक्स, ये क्या गया तुम्हारा डी टी, टी इक्वल टू जीरो पर हाइट क्या थी बच्चों तुम्हारी, एच थी, ठीक है ना। अगर पूरा है तो यहां पर पूरी लिमिट रख देना पूरा खाली करने के लिए, और बाद में क्या होगी बच्चों, t इक्वल टू t पर हाइट कितनी होगी तुम्हारी, जीरो, छेद के ऊपर हाइट कितनी होगी तुम्हारी, जीरो, तो मुझे वही टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर जीरो ना, यहाँ पर अगर तुम क्या लिखते, तुम यहाँ पर माइनस नहीं लगाते, तो देखो ये लिमिट बच्चों क्या आती, माइनस देती तुमको, टाइम निगेटिव आ जाता, ठीक है ना, खुद से सोच सकते हो। तो यहाँ पर क्या आया था, माइनस ए बाई ए, और क्या आ जाएगा यहाँ पर, रूट टू जी, ये क्या है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये x की पावर क्या है बच्चों, माइनस वन बाई टू है, x की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाई टू प्लस वन, तो ये नीचे वन बाई टू आएगा, तो उसका टू क्या आ जाएगा, ऊपर, तो क्या आ जाएगा ये टू रूट एक्स, ठीक है ना, जीरो टू h, और यहां पर क्या आ गया t आ गया, ठीक है ना। अब यहां पर वैल्यू रख दो तो क्या आ जाएगा, टू रूट h, माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा प्लस, या माइनस को अंदर ले जाओ तो लिमिट चेंज कर दो, ये बताया था तुमको, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये टी आ जाएगा ए बाई ए, ऊपर क्या आएगा बच्चों टू रूट एच, नीचे क्या आ गया रूट टू जी, अगर इसको बच्चों अंदर ले जाओ तो कितना आ जाएगा ये फोर हो जाएगा, फोर बाई टू क्या होगा टू, टू एच बाई,
याद आराम से कर सकते हो, ये तो आया था ना टाइम, अगर फ्री फॉल करता है बच्चों तो कितना टाइम लगता है, √2h/g इसको ए बाई ए से डायमेंशन लेस से। अरे आ गया ना समझ में, मैंने क्या किया बच्चों, वॉल्यूम को वॉल्यूम फ्लो रेट से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब एक्स चेंज होने पर वेलोसिटी क्या हो रही थी, चेंज, जाहिर सी बात है मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया प्रत्युष और श्रेष्ठ? क्या निगेटिव मतलब, देखो पहली बात तो dx कम हो रहा है ना, तो dx निगेटिव है, बट इधर टाइम तो हमेशा पॉजिटिव आता है। अच्छा अगर निगेटिव नहीं लगा तो सोचो, तो यहाँ पर पहले जीरो रखती, ये आया ना 2√x, जीरो रखती नहीं रखती, जीरो माइनस दिस मच तो निगेटिव आता, इसीलिए एक्स्ट्रा निगेटिव लगाना पड़ा मुझे। लिख लिया है स्लाइड, नया डायग्राम बना लेना है, लिख लिया। ये कभी भक्ति बजाता है, कभी देशभक्ति बजाता है, कभी फिल्मी बजाता है, कोई फिक्स जानता ही है नहीं, देखते हैं जनसंख्या बढ़ी ऑनलाइन वालों की नहीं इतनी। आगे समझ रहे हो, देखो देखो लिख लिया। अब देखो बच्चों यहां पर देखो, जब h हाइट तक बच्चों पानी भरा था, ठीक है ना, कितने हाइट तक भरा था, h हाइट तक भरा था, तो किस स्पीड से निकल रहा था, √2gh से निकल रहा था, ठीक है ना। बॉटम साइड कितनी थी, h माइनस h, ठीक है ना। अच्छा जो पानी निकल रहा है बच्चों उसकी मोशन कैसे होगी, इमेजिन कर सकते हो, हाँ प्रोजेक्टाइल देखा ना ये जो मैं याद है, हाँ अरे भाई पानी निकल कैसे निकलता है प्रोजेक्टाइल, क्यों प्रोजेक्टाइल मोशन कंडीशन क्या होती है, मोशन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यही तो है। अरे ठीक है ना, रही बात समझ में, मान लो ठीक है अगर मैं तुमको चप्पल फेंक कर मारू तो क्या होगा वो, हाँ क्या होगी तुम्हारी प्रोजेक्टाइल मोशन, आ गई। देखो तुम मान लो किसी को प्रपोज करने गए, उसने चप्पल फेंक के मारा तो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगी, नहीं होगी मोशन प्रोजेक्टाइल होगी, जो चप्पल होगा वो क्या होगा प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब किसी रेंज पर जाकर गिरेगी, अरे भाई हॉरिजॉन्टल से किसी रेंज पर जाकर गिरेगी, ये क्या होगी बच्चे तुम्हारी हॉरिजॉन्टल रेंज, याद है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ा था उसका रेंज, हाँ क्या होगा रेंज का फॉर्मूला याद है, अरे ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, देखो रेंज बच्चों देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगा ux into time, time of flight, ये योग नहीं होगा। अब x डायरेक्शन में देखो वेलोसिटी कितनी √2gh, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहनी है, नहीं तो हाफ at square भी आता, अरे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, तो ये क्या है √2gh। अब कितना हाइट बच्चों नीचे गिर रहा है तुम्हारा, देखो वर्टिकल डायरेक्शन बच्चों कितना गिर रहा है h माइनस h, क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है क्या, नहीं, तो एस वाई इक्वल टू क्या होगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये पता है तुमको, मैं लिखना नहीं इसको, एस वाई कितना गिरना है बच्चों एच माइनस एच,
यूआई कितना है जीरो, तो ये टर्म क्या हो गया जीरो, ये कितना आ गया हाफ जी टी स्क्वायर, कितना आ गया हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी कितना आ गया आपका स्क्वायर रूट में टू एच माइनस एच अपॉन जी। अरे याद है स्क्वायर रूट में टू एच बाई जी आता था फ्री फॉल में, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन है, फ्री फॉल ही तो कर रहा है वो, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो उन्होंने छोड़ दिया वर्टिकल डायरेक्शन। टाइम कितना बच्चों आ रहा है इसमें, रूट टू जी, रूट टू जी एच माइनस एच बाई जी। ठीक है ना, ये आ गया। अरे आगे बात समझ में, अब देखो इसमें ये दोनों जो फंक्शन है बच्चों, ठीक है ना, इसमें ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ का मतलब समझ रहे हो, एक अगर बढ़ रहा है दूसरा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि अगर सोचो ज्यादा हाइट पर अगर तुम, श्रेय एक मिनट समझ लो, अगर ज्यादा हाइट पर, ठीक है, एच की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो स्पीड तो ज्यादा होगी, ये टर्म तो बढ़ जाएगा, बट जो टाइम है बच्चों, अगर एच ज्यादा होगा टाइम क्या होगा कम हो जाएगा, स्पीड ज्यादा निकलेगा, बट उसके इसके लिए जो टाइम ऑफ मोशन होगा वो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, कम होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस हाइट पर छेद करें जिससे क्या हो मैक्सिमम रेंज हो, ज्यादा ज्यादा दूरी पर गिरे, एकदम नीचे छेद करोगे तो क्या बहुत दूर पर गिरेगा क्या, नहीं। हाँ इतना लिख लो, बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। हाँ सही कह रहे हो, आधा पर छेद करेंगे, देखो मैथमेटिकली भी सही आएगा वानिका जी, ठीक है सब बस। लिख लिया तुमने, इतने गंभीर काय हो गए हो तुम, गौतम गंभीर से ज्यादा गंभीर तुम। हाँ सॉरी टू, सॉरी यार पगला गया हूँ मैं, यहाँ पर यही थे ना। लिख लिया, वास्तव में क्या आ जाएगा बच्चों, ये देखो स्क्वायर रूट जी है ना, ये भी स्क्वायर रूट क्या है जी, ये क्या कर देगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपका, देखो स्क्वायर रूट टू बाहर आ जाएगा बच्चों, तो टू जी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इंटू क्या आ जाएगा स्मॉल एच, ये आ गया। सॉरी जी कैंसिल, जी कट गया, आज मैं सुबह से जगा हूँ, ठीक। हाँ डायमेंशनल भी गलत आ रहा था, ठीक है ना। अभी देखो ये लेंथ इनटू लेंथ क्या होगा, लेंथ का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट लेंथ आएगा, ठीक है लिख लिया। अब देखो बच्चों बताओ मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम रेंज कैसे निकालेंगे। हाँ ठीक है बस हो गया। हाँ तो यार तो सबासी लिए फिर उसके बाद सत्यानाश कर दूंगे। अरे भाई मैक्सिमम बिना कंसेप्ट पढ़ा नहीं पढ़ा, रेंज मैक्सिमम कब होगी, वही फंक्शन मैक्सिमम कब होता है जब डीवाई बाई डीएक्स क्या होता है जीरो, तो मैक्सिमम इनका दोनों हो सकता है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या आना चाहिए बच्चों निगेटिव, मैक्सिमम के लिए क्या आना चाहिए डी टू वाई बाई डी एक्स टू निगेटिव आना चाहिए। देखो यहाँ पर बच्चों आपका मिनिमम तो जीरो होगी, ये तो समझ ही पा रहे हो तुम, एकदम नीचे छेद कर दो जीरो आएगी, डीवाई बाई डीएक्स जीरो करोगे तो मैक्सिमम ही आएगा। अरे ठीक है ना, तुमको दूसरा सोचने की जरूरत ही नहीं, अगर कॉमन सेंस है तो क्या है, ऐसा नहीं डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालना है, बट ऐसा सोच लो तुमको ये टर्म मैक्सिमम करना है ना बच्चों अंदर वाला, ये मैक्सिमम होगा तो रेंज क्या होगी तुम्हारी मैक्सिमम, तो मान लो ये वाई है बच्चों, वाई क्या है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इंटू स्मॉल एच, स्मॉल एच से मल्टीप्लाई कर दो स्मॉल एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच के स्क्वायर, तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा बच्चों डी आई बाई डी एच, वेरिएबल क्या तुम्हारा एच ही तो है, ये क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, करो डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा कैपिटल एच माइनस 2h, तो h कितना आ जाएगा बच्चों h बाई टू, मतलब कहाँ छेद करें बीच में करें, वहां पर छेद करें बीच में छेद करें, अगर d2y by dh2 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों
माइनस टू आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, जो कि निगेटिव है, इसका मतलब मैक्सिमा ही दे रहा है, करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से समझ सकते हो। ठीक है, अरे आ गया ना। तो किस साइड पर बच्चों छेद करें कि मैक्सिमा हो, आधी हाइट पर। ठीक है ना, कॉमन सेंस सोच सकते हो, बीच में एकदम छेद करो तो मैक्सिमम हाइट पर जाएगा। ठीक है ना, फॉर मैक्सिमम रेंज। लिख लिया, लिख लिया ना, चेंज कर दे। ठीक है, देखो बच्चों, अच्छा अगर मान लो लिक्विड बाहर निकल रहा है, ठीक है ना, एक और चीज भी होगी, अगर मान लो ये बच्चों फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा है, बच्चों किस पर रखा है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा है, यहां से बच्चों पानी निकल रहा है, ठीक है। अब बताओ जब पानी निकलेगा तो क्या बर्तन उधर ही रहेगा, बर्तन पीछे आएगा, क्यों पीछे आएगा, हाँ मोमेंट, हाँ सेंटर ऑफ मास सेम रखने के लिए। अगर किसी बच्चे को समझाना है जो नाइन्थ में पढ़ रहा है, तुम्हारे भाई को समझाना है मान लो, तो बताओ, हाँ कैसे एक्सप्लेनेशन। हाँ देखो बच्चों, बर्तन है ये मान लो लिक्विड की ड्रॉप है, ठीक है, समझ लो लिक्विड ड्रॉप आगे जा रही है, मतलब बर्तन किधर लगा रहा है फोर्सेस पर, आगे, तो लिक्विड ड्रॉप उतना ही फोर्स क्या लगाएगी, पीछे, अरे आगे, बस समझ, या दोनों को बच्चों सिस्टम मान लो, तो क्या होगा, इस पर एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो, तो अगर पानी इधर जा रहा है तो बच्चों रेस्ट क्या होना चाहिए, पीछे आना चाहिए, जिससे सेंटर ऑफ मास क्या रहे, उसी जगह पर रहे। ठीक है ना, दोनों तरीके समझ सकते हो। अब कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, मुझे ये पता करना है, ठीक है ना, ध्यान देना, ये वेरिएबल मास का क्वेश्चन है बच्चों। हाँ किसी वेलोसिटी से अगर निकल रहा है तो जाएगा पीछे, अगर हम छेद नीचे कर दिया, हाँ तभी जाएगा, कि निकल तो रहा है, किसी वेलोसिटी से निकल ही रहा है ना, ठीक है, हाँ उस समय सबसे ज्यादा तेजी से जाएगा, नीचे छेद कर दिया। देखो कैसे निकाले बच्चों, फोर्स क्या होता है तुम्हारा, क्या होता है, डीपी बाई, ठीक है ना, ध्यान देना, मैंने जब m को कांस्टेंट माना था बच्चों, तो आपका क्या आ गया था, ये अगर m बाहर करिए तो m dv by dt आ गया था, तो क्या आ गया था, वो a आ गया था, ठीक है ना, बट यहाँ पर बच्चों आपका मास कांस्टेंट नहीं है, मास कांस्टेंट नहीं है, तो जाहिर सी बात है m को बाहर नहीं ले सकते, उस इंस्टेंट पर बच्चों हम वेलोसिटी बाहर, ठीक है, उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी हम कांस्टेंट मान सकते हैं, उस इंस्टेंट पर, ध्यान देना, उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट। तो F कितना हो गया बच्चों, dm by dt क्या बच्चों, मास फ्लो रेट, क्या है, मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट को वॉल्यूम, वॉल्यूम फ्लो रेट से कैसे रिलेट कर सकते हैं, अरे भाई मास क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो dm by dt क्या होगा बच्चों, रो इनटू dv by dt, अरे वॉल्यूम फ्लो रेट को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, तो भाई मास फ्लो रेट क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा, रो इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट, तो ये v इनटू क्या हो जाएगा, जो रो इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होती है, एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी, तो कितना आ जाएगा ये तुम्हारा, रो ए v स्क्वायर, ये नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा, रो ए वी स्क्वायर। अब देखो क्या नाम है जतिन भाई, जितना नीचे छेद करोगे हाइट क्या होगी तुम्हारी, उतनी ज्यादा, तो वेलोसिटी आती थी ना रूट टू जी एच, वेलोसिटी क्या होगी उतनी ज्यादा, तो फोर्स भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है ना, अरे आ गया ना समझ में, इस पर बच्चों इसी थ्रस्ट फोर्स पर काफी सारे, ठीक है ना, तुम्हारे एक इंजन बना है, ठीक है ना, बता रहा हूँ तुमको भी, एक मैंने वीडियो देखी थी,
जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों ने इस पर क्वेश्चन क्या बनते हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं इसी फॉर्मेट पर बनते हैं, इसी में उनको डेटा रखना होगा और इससे कोई वेरिएशन नहीं है। ये पूछ लेगा रेंज कितनी होगी, वैल्यू दे रखी होगी उसमें कैपिटल एस स्मॉल एस की, ये सब। अरे ठीक है ना, आ गया समझ में? ठीक है ना, चेंज कर दे। ऐसे वही 3 लाइन लिखनी है, और क्या लिखना है, लिख लेना बच्चों थ्रस्ट फोर्स, ठीक है ना, थ्रस्ट फोर्स। जो तुम प्रेशर में पढ़ते थे ना, वास्तव में थ्रस्ट वो नहीं है बच्चों, कह देते हैं उसको परपेंडिकुलर फोर्स को समझने के लिए। थ्रस्ट कब यूज होता है? जब मास आपका वेरिएबल होता है। सर रॉकेट इंजन के लिए क्या यूज करते हो आप? थ्रस्ट वर्ड का यूज करते हो, इतना 1 किलो न्यूटन का इसका थ्रस्ट है। सुना कि नहीं सुना? देखो एक आता है बच्चों आपका रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, सॉरी रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, हाँ वही है रेट ऑफ। अच्छा तुमको तो पता है रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, ठीक है ना, बट वास्तव में रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो इसमें क्या पढ़ेंगे हम? अरे पढ़ा है ना तुमने ए बी, ठीक है ना, जैसे तुम पढ़ते थे फॉर एग्जाम्पल काइनेमेटिक्स पढ़ते थे बच्चों, मोशन पढ़ते थे बट विदाउट रीजन पढ़ते थे, ठीक है ना। अब इससे पहले भी तुमने पढ़ा है वॉल्यूम फ्लो रेट, पढ़ा ए वी, तुमने विदाउट रीजन पढ़ा है। अरे पढ़ा नहीं पढ़ा, विदाउट रीजन किसके कारण फ्लो होता है? प्रेशर डिफरेंस के कारण। वो किसमें पढ़े थे तुम? फॉर एग्जाम्पल मोशन जो था, ठीक है ना, मोशन के बाद क्या पढ़े थे? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें क्या पढ़ा तुमने? उसका रीजन। तो ये वॉल्यूम फ्लो किसके कारण हो रहा है बच्चों? प्रेशर डिफरेंस के कारण, ठीक है ना। तो अगर मान लो पाइप दे रखी है बच्चों, ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। एक मान लो तुमने क्या किया, पाइप ले ली, मान लो बोतल ही ले ली ऐसे, ठीक है ना, इसमें क्या किया यहाँ पर छेद कर दिया, ठीक है ना, मान लो कुछ हाँ पानी पानी गिर भी रहा है, सॉरी इसको रिपेयर कराना है मुझे, ठीक है ना। हाँ नए सत्र में नई बोतल आएगी, ठीक है, जब पैसा मिलेगा। देखो मान लो इससे पानी निकल रहा है, ये इस पर ध्यान मत देना, ये लीक कर रहा है, गलत एग्जाम्पल है। देखो मान लो यहाँ से निकल रहा है, ठीक है ना, उनको दिख रहा है लाइन वालों को, हाँ। तो अगर देखो यहाँ पर तुम दबाते हो बच्चों, और तेज निकलता नहीं निकलता, क्यों? एरिया कम, ये यहाँ पर थोड़ी कर रहे, यहाँ पर दबा रहे हो तुम यार, ले मैं बायो वाला आंसर ना दो यार। अरे भाई प्रेशर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा तुम्हारा? यहाँ पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, तुमने क्या किया यहाँ पर? प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर का डिफरेंस क्या हुआ? बढ़ा। इससे कारण क्या हुआ आपका? जाते ही से मूव किया। अरे है ना हर चीज का वैलिड एक्सप्लेनेशन, ये तो अभिषेक भी बता देगा यहाँ पर जगह कम है। अरे ठीक है, तो क्या है ये रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो बच्चों? किसके कारण होता है? प्रेशर डिफरेंस कारण होता है। मान लो तुम्हारे पास एक बच्चों पाइप है, ठीक है ना, इधर प्रेशर क्या है P1, इधर प्रेशर क्या है P2। अब लिक्विड इधर से इधर फ्लो हो रहा है, मतलब प्रेशर कहाँ ज्यादा है? P1 पर ज्यादा है, ठीक है ना। इसकी रेडियस क्या मान लेते हैं बच्चों? R। क्या मान लेते हैं इसकी रेडियस? R। और इसकी लेंथ क्या मान लेते हैं पाइप की? L। अरे पाइप की लेंथ क्या मान लेते हैं बच्चों? L, ठीक है ना। तो इस पर बच्चों, ठीक है ना, मान लो यहाँ पर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी भी बच्चों क्या है? ईटा है। उसकी विस्कोसिटी क्या है? ईटा है। विस्कोसिटी बच्चों स्टेडी स्टेट में माननी पड़ेगी, उसका रीजन मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है ना। नहीं तो आप कह रहे सर अभी तक तो आइडियल फ्लूइड मान रहे थे, ठीक है ना। ओके देखो वो क्या रहा है, अगर मान लो बच्चों इधर प्रेशर P1 है, इधर प्रेशर क्या है? P2 है, ठीक है ना। हो क्या रहा है, अगर विस्कोसिटी नहीं है तो जो फ्लूइड हो रहा है तुम्हारा कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट हो रहा है बच्चों। क्या हो रहा है? कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट हो रहा है। बट अगर तुमको बताना है कि कितनी, देखो बट वास्तव में ऐसा होता तो है नहीं कि कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, वो एक्सेलरेट हो रहा है। मैं मान रहा हूँ स्टेडी स्टेट में बच्चों, स्टेडी स्टेट में मतलब क्या हो रहा है, जब लिक्विड आपका फिक्स स्पीड से मूव कर रहा है, तो उस इंस्टेंट पर वॉल्यूम फ्लो कैसा होगा? ठीक है ना, स्टेडी स्टेट मतलब क्या हुआ,
एक्सलेशन आपका वेलोसिटी क्या हो गई कॉन्स्टेंट, मतलब फोर्स क्या हो गया इस पर जीरो, फोर्स क्या हो गया तुम्हारा जीरो। अच्छा एक सिलिंड्रिकल बच्चों एक वॉल्यूम ऐसे समझ लो, ठीक है ना, एक सिलिंड्रिकल सेक्शन ले लो, इसकी रेडियस क्या मान रहा हूँ बच्चों मैं स्मॉल आर मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ इसका स्मॉल आर, ठीक है ना। एक सिलेंडर ये जो दिखा रहा हूं ये वाला व्हाइट वाला, इसमें ही बच्चों पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, एक छोटा सा सिलिंड्रिकल मेरा क्रॉस सेक्शन है, इस व्हाइट वाले में ही पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, इसको ही मैं मान रहा हूं अभी, ठीक है ना, इसको ही मैं कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है ना। अब सोचो इस पर बच्चों दो फोर्स लग रहे हैं, पहले तो क्या लग रहा होगा प्रेशर डिफरेंस के कारण, अरे भाई इधर प्रेशर क्या है पी वन, इधर प्रेशर क्या है पी टू, तो पी वन माइनस पी टू किधर लेगा बच्चों राइट साइड लेगा। स्टेडी स्टेट होगी तो और एक इसका जस्ट अपोजिट फोर्स होना चाहिए, वो कहां से आएगा हाँ विस्कस फोर्स, कैसे आएगा। अच्छा इसके ऊपर का जस्ट जो लिक्विड होगा बच्चों वो कम स्पीड से मूव कर रहा हो नहीं कर रहा होगा, यहां वाला पाइप के एकदम पास वाला जीरो स्पीड से मूव कर रहा होगा, यहां वाला बच्चों इसके जस्ट ऊपर वाला क्या हो रहा कम स्पीड से मूव कर रहा होगा, मतलब ये जो आपका ये जो फ्लूइड वाला है बच्चों ये जो पाइप है इसके अंदर जो फ्लूइड है वो रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसके ऊपर वाले फ्लूइड से और इसके नीचे वाले फ्लूइड से, जाहिर सी बात है इस पर क्या लगेगा लिक्विड का फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन कब होता है तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी होती नहीं होती, अरे होगी नहीं होगी, क्योंकि ये जो लेयर है बच्चों क्या हो रही है इसके ऊपर और नीचे वाले लेयर के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है मूव कर रही है, ठीक है ना, किसी रिलेटिव वेलोसिटी से, तो इसका मतलब क्या होगा इस पर फ्रिक्शन लगेगा, फ्लूइड का फ्रिक्शन क्या कहते हो विस्कस फोर्स। तो इस पर दो फोर्स लग रहे हैं बच्चों, पहला क्या है प्रेशर डिफरेंस के कारण, कितना होगा प्रेशर डिफरेंस के कारण फोर्स, इधर बच्चों क्या है पी टू इंटू ए और इधर क्या लगेगा पी वन इंटू ए, तो नेट फोर्स क्या होगा पी वन माइनस पी टू इंटू ए। एरिया क्या होगा अगर इसका बच्चों रेडियस स्मॉल आर माना है तो मैंने पाई आर स्क्वायर, पी वन माइनस पी टू इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, ये आ गया। विस्कस फोर्स ये किसके बराबर होगा स्टेडी स्टेट में, ये विस्कस फोर्स से क्या होगा बच्चों बराबर होगा, अरे होगा नहीं होगा, विस्कस फोर्स क्या होगा वो तो उसके लिए था स्फेरिकल ड्रॉप के लिए, अरे उसी की रेडियस थी ना हाँ, इसके लिए क्या होगा एक और फॉर्मूला लिखा था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी याद है, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल था आपका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के प्रोपोर्शनल था ईटा और क्या था डीवी बाई डीजेड याद है ना, अरे आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या था वेलोसिटी ग्रेडियंट, अरे था कि नहीं था। तो यहां पर क्या होगा ये बच्चों एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है सोचो, सरफेस तुम्हारा ऐसे है जो लिक्विड के कॉन्टेक्ट में है, ये एरिया नहीं लेंगे बच्चों, यहां पर क्या लिक्विड कॉन्टेक्ट में है क्या नहीं, सोचो जो कर्व सरफेस है ठीक है ना उसी में एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट में ही नहीं है, अरे जो कर्व सरफेस है वही तो है एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बाकी लिक्विड से, ठीक है ना, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है टू पाई आर एन, तो यहां पर क्या लिखोगे टू पाई आर इंटू लेंथ क्या है बच्चों सिलेंडर की एल डीवी बाई डीजेड, मान लो इस थोड़ी सी थिकनेस क्या बच्चों मानी है मैंने डी आर, इसमें बच्चों वेलोसिटी का डिफरेंस आएगा, मान लो कितना डिफरेंस आ रहा है डीवी का और थिकनेस क्या है इसकी डी आर, ये होगी नहीं हो गया, अरे लगा दिया मैंने, अब देखो आर से आर बच्चों क्या होगा एक पावर कट हो जाएगी, पाई से पाई भी क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, अभी लिखना नहीं समझ लेना पूरा। P1 माइनस P2 क्या आ गया बच्चों P1 माइनस P2 इधर क्या आ गया R और इधर क्या था 2 ईटा L dV by dr, यही था ना, और dr किधर ले जाओ इधर ले आओ, सो P1 माइनस P2 R पाई पाई कट गया था ना, अच्छा ये तो कांस्टेंट है बच्चों P1 माइनस P2 इसको बाहर ले लो, कहां से कहां तक जीरो से कैपिटल आर तक वेरी हो रहा है, अच्छा एक मिनट ऐसा मान लो
मान लो किसी इंस्टेंट पर बच्चों किसी आर पर इसकी वेलोसिटी क्या है, वी। यहाँ पर कैपिटल आर बच्चों, और यहां पर क्या ये टू ईटा एल, और यहां पर क्या हो गया आपका डीवी आ गया, ठीक है। क्या गई है डीवी। देखो जब स्मॉल आर था बच्चों रेडियस, ठीक है ना, वहां पर वेलोसिटी क्या थी वी मान लो। जब कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर का मतलब क्या है बच्चों, यहां पर होगा, यहां पर वेलोसिटी क्या होगी तुम्हारी जीरो। अब इसके आर के टर्म्स में क्यों निकाल रहे हैं अभी बताऊंगा मैं, क्योंकि वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, आर पर डिपेंड कर रही है। अरे कर रही नहीं कर रही है, वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, आर पर डिपेंड कर रही है। नहीं तो मैं वेलोसिटी निकाल लेता अगर कांस्टेंट होती तो क्या होता, एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होता बच्चों, पाई आर स्क्वायर इंटू क्या कर देता मैं वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देता, ये क्या आती वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाती तुम्हारी। बट वेलोसिटी आर पर डिपेंड कर रही है, अरे भाई एकदम बीच में होगा सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी, किनारे पर है क्या है जीरो आ जा रही है, मतलब वेलोसिटी क्या है तुम्हारी स्मॉल आर पर डिपेंड कर रही है, एक्सिस से जो डिस्टेंस है बच्चों उस पर डिपेंड कर रही है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे वेलोसिटी का फंक्शन आर के टर्म से पता करना होगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं वेलोसिटी बच्चों अगर यहां से ऊपर जाओगे, यहां पर पहुंच गए तो क्या होगा जीरो, बीच में क्या होगा वेलोसिटी सबसे ज्यादा, अरे होगी नहीं होगी। तो मैं कह रहा हूं ये डिपेंड कर रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो बताओ यहां पर क्या आ जाएगा टू ईटा एल, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों जीरो माइनस वी, अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा पी वन माइनस पी टू आर स्क्वायर बाई टू, ये आएगा अरे आएगा नहीं आएगा आर स्क्वायर बाई टू, और यहां पर कितना आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, मैंने गलत लिखा है। देखो अगेन गलत लिख लिया, क्यों देखो जब डी आर बढ़ेगा बच्चों तो वेलोसिटी क्या हो रही है ऊपर जाने पर कम, तो डीवी वास्तव में निगेटिव है, तो यहां पर क्या लिखना होगा मुझे, ठीक है यहां पर क्या लिखना होगा मुझे माइनस, यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों आपका प्लस हो जाएगा। तो वी कितना आ जाएगा तुम्हारा पी वन माइनस पी टू अपॉन फोर ईटा एल कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखो वास्तव में ये डिपेंड भी कर रहा है बच्चों, अगर स्मॉल आर क्या कर दो जीरो कर दो, मतलब एक्सिस से डिस्टेंस क्या कर दो बच्चों जीरो, तो वेलोसिटी क्या आएगी तुम्हारी मैक्सिमम, मतलब एकदम बीच में वेलोसिटी क्या आएगी मैक्सिमम। और अगर यहां पर क्या रख दो तुम कैपिटल आर रख दो, मतलब कहां पर बात कर रहे हो तुम, अरे भाई स्मॉल आर जीरो मतलब यहां पर बात कर रहे हो बीच में, स्मॉल आर कैपिटल आर कब होगा जब सरफेस यहां पर होगा पेरिफेरी पर, तो यहां पर क्या होगा तुम्हारा जीरो वेलोसिटी आएगी, ठीक है। अरे क्या आएगी जीरो वेलोसिटी, तो ये आ गया बच्चों वी। बट क्या ये वॉल्यूम फ्लो रेट है कि सिर्फ वेलोसिटी है, सिर्फ वेलोसिटी है, अरे सिर्फ क्या है बच्चों ये वेलोसिटी है। अब जब आर चेंज होगा तो ये क्या हो रहा है चेंज होगा, ठीक है ना, अभी लिख लो नहीं। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है बच्चों, एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी। अब सोचो किस एरिया क्रॉस सेक्शन से बच्चों फ्लो कर रहा है, किस एरिया क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है इसका, ये छोटा सा एक रिंग टाइप का एलिमेंट है कि नहीं है, अरे है ना, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होगा याद है लिखा है हमने टू पाई आर डी आर, अरे लिखा है ना भाई इसका टू पाई आर क्या होगी बच्चों लेंथ, और थिकनेस क्या होगी इसकी डी आर, तो कितना हो गया एरिया टू पाई आर डी आर, और वेलोसिटी क्या होगी बच्चों पी वन माइनस पी टू यहाँ पर क्या था और फोर ईटर, ये डी क्यू आ गया बच्चों छोटा सा वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है ना। क्या करना होगा पूरे पाइप के लिए क्या करना होगा मुझे इंटीग्रेट, मैंने तो भाई जागते रहो, ठीक है ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा देखो पाई
बाई टू ईटा एल, कितना आ जाएगा पाई बाई टू ईटा एल पी वन माइनस पी टू। डी क्यू को इंटीग्रेट करो क्या आ जाएगा बच्चों, क्यू आ जाएगा। और यहां पर क्या आएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर इंटू डी आर, कहां से कहां तक बच्चों जीरो से आर तक, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे जीरो से आर तक। तो अंदर जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा ये आर क्यूब आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर माइनस क्या आ जाएगा आर क्यूब इंटू डी आर, और कितना आ जाएगा पाई पी वन माइनस पी टू बाई टू ईटा एल, ये क्यू आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखो ये क्या आ जाएगा बच्चों आर स्क्वायर बाई टू, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर क्या होगा आर टू द पावर फोर बाई टू, आर टू यहां पर क्या आ जाएगा आर टू द पावर फोर बाई फोर, तो कितना आ जाएगा आर टू द पावर फोर बाई एट, सॉरी आर टू द फोर बाई फोर ही आएगा, यहां पर टू है ना फोर टू जा कितना आ जाएगा तुम्हारा एट, कितना आ जाएगा ये पाई पी वन माइनस पी टू आर टू द पावर फोर अपॉन एट ईटा एल, कितना जाएगा इतना आ गया। इसको पॉइसुलिस इक्वेशन कहते हैं, पॉइसुलिस, मैं स्पेलिंग रट कर आया हूं भूल गए शायद, मानी क्या बता ये है शायद, शायद सही है पॉइसुलिस इक्वेशन। अरे तुमको नाम समझ में, मतलब ये है, ये को यहां से दिखना चालू करो। स्टेडी स्टेट क्या होगा फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस इसके बराबर हो जाएगा बच्चों विस्कस फोर्स को बैलेंस कर देगा। विस्कस फोर्स में कौन सा एरिया लिया कर्व्ड एरिया, क्योंकि जो कांटेक्ट था वो क्या था कर्व्ड एरिया था। ठीक है, यही ये चैप्टर की समाप्ति हुई। ठीक है ना, बहुत दिन से चल रहा था ना ये, एक महीना नहीं बट मिड जनवरी में हुआ होगा ऐसा ना, ये आठवां लेक्चर है हमारा। हाँ 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 यार सॉरी सॉरी, ईटा भी होगा ना, ईटा ए डीवी बाई डीजेड होता है ना, तो ईटा भी आएगा। हाँ कुछ मुझे इनकम्प्लीट लग रहा था। कहाँ पूरी कैलकुलेशन क्या होगी, सिर्फ ईटा ही तो लगाना है, पगला गए का तो। जहां पर एल है ना उसके साथ ईटा जोड़ दो, जहां पर एल है ना जहां एल है वहां पर ईटा जोड़ दो बस, हो गया। अच्छा यहां पर लिखा है मैंने ईटा, वहां पर नहीं लिखा, तुमने दुगना लगा दिया क्या लगा दिया आवाज में दोबारा लगा दिया लिख लिया ये इसके पहले प्रीवियस स्लाइड बोला था। लिख लिया, अरे एक ही लाइन तो लिखनी थी, चित्र सही से बनाना। प्रत्युष भाई जग रहे हो, श्रेय यस सर, बहुत ही ऑफेंसिव तुम्हारा ये है। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा, क्या कहते हैं उसको प्रोफाइल पिक, मौज कर रहे हो तुम, लिख लिया एक बीन बैग लेकर आया करो, ठीक है ना, उसी पर बैठा करो।
एक कंफर्टेबल नहीं स्टील की चेयर्स। स्वामी नहीं आता ऐसे हो जाता। लेट जाता है। लिख लिया सब गलत कर दिया उसने। हाँ हाँ सर मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा ठीक है ना सीपी वाले मॉड्यूल से ठीक है ना। प्रिपेयर करना ठीक है। सैटरडे को हमारा फिर से टेस्ट हो जाएगा ठीक है ना फुल सिलेबस। घबराओ नहीं ग्रुप पर नहीं आना है ठीक है ना। तो प्रैक्टिस के लिए ही है। जितने क्वेश्चन करोगे उतनी बार क्या होगा तैयार हो जाएगा वो। और देख कर मत आना ठीक है ना। अरे देख कर मत आना क्योंकि ग्रुप पर आना नहीं कुछ होना नहीं उससे ठीक है ना। प्रिपेयर करके आना। देख कर आओगे क्या होगा घाटा क्या होगा तुम्हारा। तुम वही क्वेश्चन पढ़ के आओगे जो आना है। क्या वही क्वेश्चन दोबारा आएगा नहीं। उस तरह पूरा सिलेबस तैयार करके आओगे। बात ये ठीक है। लिख लिया ठीक है बच्चों। देखो इसको ऐसा देखो क्यों बच्चों क्या आया पाई इंटू पी वन माइनस पी टू अपॉन एट इटा इंटू आर टू द पावर फोर। अब देखो ये सही बता रहा है। अगर प्रेशर का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बच्चों तुम्हारा क्यों क्या होगा उतना ज्यादा होगा। अरे ठीक है ना वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगी उतनी ज्यादा होगी। और रेडियस जितना ज्यादा होगा तो क्या होगा अगेन उतना ज्यादा होगा। विस्कोसिटी मतलब अगर मान लो एडजेसेंट लेयर्स के बीच फ्रिक्शन क्या बच्चों ज्यादा तो क्या होगा तुम्हारा कम होगा। एल बच्चों ज्यादा होगा लिक्विड को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा निकलने के लिए तो क्या होगा तुम्हारा वॉल्यूम फ्लो रेट कम हो जाएगा। इसको ऐसा ट्रीट करो बच्चों क्यू इक्वल टू P1 माइनस P2 देखो ये था पाई आर टू द पावर फोर अपॉन एट ईटा ये था कि नहीं था ये था। इसको ऐसा ट्रीट करो हाँ हाँ देखो इसको ऐसा ट्रीट करो P1 माइनस P2 अपॉन एट ईटा एल अपॉन पाई आर टू द पावर फोर। देखो ऐसा ट्रीट करो। इससे ही होता क्या है बच्चों क्या हुआ क्या दिक्कत। इसको ऐसा ट्रीट करो जैसे ये बच्चों ऊपर क्या है प्रेशर डिफरेंस और नीचे क्या ये है ठीक है ना। अब ऐसा लिखने से क्या लगता है सेम ही क्वेश्चन को मैंने डिफरेंट फॉर्मेट में लग दिया उसका मीनिंग बदल गया। मैं कई बार तुमको एक्सप्लेन भी किया इस चीज को नहीं ध्यान दिया होगा। अरे बताया था ना मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्या बताता है मास किस पर डिपेंड करता है कितना बड़ा है और किसका बना है। बताया था कि नहीं बताया था नहीं याद है। अरे भाई हर एक क्वेश्चन कुछ कहता है तुमसे ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है बच्चों कि आपका क्यू जैसे करंट होता नहीं होता बच्चों आई इक्वल टू क्या होता वी बाई आर पढ़ा नहीं पढ़ा। वैसे यहां पर जो आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है बच्चों उसमें चार्ज फ्लो करता है इसमें क्या कर रहा है तुम्हारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है वही चार्ज किस कारण फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। यहाँ पर ये किसके कारण बच्चों फ्लो करता है प्रेशर डिफरेंस के कारण। तो वोल्टेज काम क्या कर रहा है प्रेशर डिफरेंस का रंग नहीं कर रहा वोल्टेज डिफरेंस का काम क्या कर रहा है बच्चों यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस। तो यहाँ पर जैसे ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस था वैसे ही क्या है बच्चों ये फ्लूइड रेजिस्टेंस। क्या ये फ्लूइड रेजिस्टेंस रहे कि नहीं है
तो इसमें बच्चों जो फ्लूइड मोशन है उसका, सॉरी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वगैरह है सीरीज पैरेलल, उसका कॉन्सेप्ट तुम लगा सकते हो। अरे अरे बात समझ में, रेजिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, पाई ए थीटा एल अपॉन पाई आर टू द पावर 4, ये हो गया। इसको लिख लो, ये लिख लो ना, ये वाला नीचे वाला। इस पर एक शानदार क्वेश्चन करा के छोड़ रहा हूं तुमको, जल्दी जल्दी से करो, जितना जल्दी करो उतना जल्दी छोड़ूंगा। हाँ अभी लिख लो, मैं बता रहा हूं। यही कंसेप्ट हीट में भी आएगा बच्चों, अगला चैप्टर हीट बनाऊंगा। हीट किस कारण फ्लो होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, किस कारण होता है, टेम्परेचर डिफरेंस कारण। उसको भी कैसे ट्रीट करेंगे, करंट की तरह ट्रीट करेंगे। अरे ठीक है लिख लिया। ये क्या है तुम्हारा नीचे वाला फ्लूइड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो बच्चों लिखो, अब लिखो, मैं डायग्राम बाद में बना रहा हूं। इफ वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू पाइप ए बी, अभी मैं डायग्राम बना रहा हूं, लिखो, इफ वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू पाइप ए बी, हाँ पाइप ए बी इज क्यू, इफ वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू पाइप ए बी इज क्यू, फाइंड वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू पाइप सी डी, फाइंड वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू पाइप सी डी। If sorry लिखो, the radius of CD and EF, the radius of CD and EF are in ratio 2:1. And their length are in ratio 1:1. मतलब length क्या है बच्चों, identical. And their length are in ratio 1:1. ठीक है ना, ये डायग्राम बना लो बच्चों, ए बी सी डी ई एफ और ये क्या है जी एच, ठीक है मैं ही करूंगा इसको। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बच्चों, लेंथ का रेशियो क्या है सी डी और ई एफ का रेशियो क्या है बच्चों, आर सी डी अपॉन आर ई एफ कितना है बच्चों 1:2, ये ठीक है। क्या लिख लिया देखो, मान लो बच्चों यहां से कितना चार्ज आ रहा है, सॉरी कितना लिक्विड आ रहा है तुम्हारा, क्यू आ रहा है, राइट। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या है पाइप एबी से, क्या है बच्चों क्यू, ठीक है ना। इसको ऐसे ट्रीट करो जैसे करंट आ रहा है बच्चों, मैंने बताया ना। अरे भाई लिक्विड फ्लो कैसे ट्रीट कर रहे हो तुम, करंट फ्लो, मान लो यहां पर करंट कितना आ रहा है क्यू। अब ऐसा समझ लो ये बच्चों दो रजिस्टर है, कैसे लगे हैं तुम्हारे पैरेलल, कैसे लगे हैं तुम्हारे पैरेलल में, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा तुम्हारा सेम। ऐसे समझ लो भाई प्रेशर डिफरेंस क्या होगा इन दोनों के क्रॉस सेम। अरे ठीक है ना, अब इसका रजिस्टेंस बच्चों मान लो आर वन, इसका रजिस्टेंस क्या है R2 है, तो वोल्टेज क्या रखना है मुझे सेम। मान लो बच्चों इसमें स्मॉल q आपका चला गया फ्लूइड, तो इसमें कितना जाएगा रिमेनिंग, अरे याद है इसमें I1 जाती थी, तो इसमें क्या जाती थी I माइनस I1, और इसमें अगर q चला गया करंट तो इसमें क्या आ जाएगा रिमेनिंग करंट जाएगा, ठीक है। अब सोचो वोल्टेज क्या रखना है बच्चों सेम, तो आई वी इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा आई आर, मतलब ये जो q माइनस q और फ्लूइड रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या होगा तुम्हारा फिक्स। अरे वोल्ट आपका पैरेलल में है ना दोनों, अरे होगा कि नहीं होगा, अरे बोल दो, ठीक है। तो ऊपर वाले में क्या बच्चों करंट कितना है स्मॉल क्यू, है ना, इसकी रेडियस क्या मान लेते हैं बच्चों स्मॉल आर वन, इसकी क्या मान लेते हैं स्मॉल आर टू, रेजिस्टेंस क्या था फ्लूइड रेजिस्टेंस यही होगा ना, यहां पर क्या लिखेंगे
एट ईटा एल तो सेम है बच्चों, अपॉन पाई आर वन टू द पावर फोर ये लिखेंगे। दूसरे में क्या है बच्चों, कितना चार्ज जा रहा है या कितना फ्लूइड जा रहा है, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, उसमें क्या लिखेंगे, एट ईटा एल अपॉन पाई आर टू टू द पावर फोर। अब आर वन बाई आर टू क्या दे रखा है बच्चों, टू रेशियो वन ये दे रखा है। क्या एट ईटा एल कैंसिल, पाई पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो स्मॉल क्यू क्या आ गया, स्मॉल क्यू अपॉन आर वन टू द पावर फोर क्या आ गया, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन आर टू द पावर फोर। तो आर वन को इधर ले जाओ बच्चों, तो स्मॉल क्यू क्या होगा, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू आर वन बाई आर टू की पावर क्या आ जाएगा, फोर। इसका पावर बच्चों क्या आएगा, टू 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 बाई वन की पावर क्या आएगा, फोर, तो कितना आएगा, सिक्सटीन। तो स्मॉल क्यू क्या आ गया, ये इधर आएगा बच्चों कितना देगा, 17 क्यू इक्वल टू क्या आ गया, 16 क्यू, तो क्यू कितना आ गया, 16 बाई 17 इंटू क्यू। तो इससे कितना जा रहा है बच्चों देखो, अच्छा ऐसे समझ लो ये पाइप बच्चों क्या है, वाइड है, इससे क्या होगा, ज्यादा फ्लूइड नहीं जाएगा, अरे भाई चौड़ी पाइप है तो आसानी से रह जाएगा, इसमें कितना जा रहा है बच्चों, 16 बाई 17 क्यों, और इससे कितना जा रहा है तुम्हारा रिमेनिंग, कितना जाएगा इससे, कितना बचा, क्यू बाई 17। अरे ठीक है ना, ये चित्र बना लो, ये वाला इसमें लिख ले, स्मॉल क्यू इसमें कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, अरे लिख लेना ठीक है, यहाँ पर लिख लेना रेडियस आर वन, यहाँ पर क्या लिख लेना रेडियस आर टू, ये लिख लेना स्मॉल क्यू इंटू आर वन और R2 into capital Q minus small Q, लिख लिया? हाँ वॉल्यूम फ्लो रेट। लिख लिया ना, डायग्राम तो बना लिया है ना, उसके बाद फिर ये लिख लेना बस, V equal to IR क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा फिक्स, ऐसे समझ लो ठीक है, कि बच्चों जो आपका अगर लग रहा है प्रेशर डिफरेंस क्या रहेगा तुम्हारा फिक्स, अरे ये है ना पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या है यहाँ पर, प्रेशर डिफरेंस।